सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी मैं कोई नया स्टेटस डालूं आपको सबसे पहले मिल जाए। अकॉर्डिंग टू मी रिलेशनशिप इज हाउ मच यू फील कनेक्टेड विद अ पर्सन इज लाइक, एक तो होता है हम ऊपर ऊपर से कनेक्शन शो करते हैं, एक फ्रॉम हार्ट, बाय हार्ट इट शुड बी कनेक्टेड। एंड व्हाट इज हार्ट एंड व्हाट इज माइंड, इज देयर अ डिफरेंस? मतलब हम समझ सकते हैं दिल में और दिमाग में क्या फर्क है? वी यूज दीस टर्म्स क्वाइट ऑफन कि भाई दिल से मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। तो ये दिल और ब्रेन में क्या फर्क है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड? दो चीजें, देयर आर टू क्वेश्चंस जिसका राइट एंड रॉन्ग आंसर होता है। हम कहते हैं दिमाग गलत बोल रहा है, दिल राइट बोल रहा है। बट व्हाट इज दिमाग एंड व्हाट इज दिल? देखो इसको ध्यान से समझना। माइंड इज जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब कहां से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है ना। हार्ट मीन्स द वेरी सेंटर ऑफ आवर बीइंग, the very core of our being, that is called as heart. नहीं तो आप ये दिल और दिमाग में उल्टा सीधा कहानियां करते रहोगे। मतलब होंगे कुछ दिमाग में केमिकल्स, यहाँ पे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे और मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल में कुछ हो रहा है? अरे दिल में कुछ नहीं हो रहा है, अंदर यहाँ डोपामीन रिलीज हो रहा है, समझे? देख करके किसी को, और उसको हम प्यार का नाम दे देंगे। तो what is the deepest level of your being? जहां से सारा खेल शुरू होता है, जो नहीं तो कुछ नहीं देख पा रहे हो, दैट इज हार्ट। और जो उससे जुड़ गया उसको कनेक्शन बोलते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं। जो उससे नहीं जुड़ा सब बेकार है, सब ऊपर ऊपर का है, मतलब का है। तुझे भी खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली हो रही है, तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा, यही है जी। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर बीइंग? आपकी सारी ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके थॉट, सबका सेंटर पॉइंट क्या है? जहां से ये सब शुरू होता है, हार्ट। तो फिर वही आया ना, इज इट अ फिजिकल हार्ट और व्हाट इज दैट हार्ट? वो एक सिंगल लेटर अल्फाबेट है जहां से सब खेल शुरू होता है, आई। दैट इज हार्ट। जो आपकी इस आई की डेफिनेशन में आ गया, उससे आपका रिलेशनशिप बन गया, अब मरते दम तक मिट नहीं सकता। उसके अंदर आ गया तो वो आपके दिल में आ गया है। एक मां और बेटे में क्या होता है, एक मां और बच्चे में, कभी बारीकी से ऑब्जर्व किया है? मां को तो पता भी नहीं है कि वो जो बच्चा नर्स ला करके गोद में दे रही है वो मेरा है किसी और का है, पता है क्या? एक्सचेंज नहीं हो जाते? देखा नहीं मूवीज के अंदर? मान लो एक्सचेंज हो गया बच्चा और फिर उस नर्स ने ला करके दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता, लेकिन जैसे उसने गोद में लिया फील नहीं आएगी? आएगी, आएगी। कैसे आती है फील? तो इसको ध्यान से समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। माँ ने सिर्फ माना ही है, एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है, आपने माना ही है कि जो आपके माँ बाप है आपके माँ बाप है, आपके पास प्रूफ है क्या? फिर मानने का ही तो खेल है। मेरे मतलब मैं की डेफिनेशन में आ गए ना, तो उस मां ने ये माना ही है कि मेरा बच्चा है, उसको पता नहीं है, भरोसा है डॉक्टर्स के ऊपर, नर्स के ऊपर, कि हाँ उन्होंने कोई घपला नहीं किया है, ला करके दिया और उसकी आंख से आंसू टपक रहे, मेरा बच्चा, और परवरिश में कोई कमी नहीं आने वाली उस बच्चे के, समझ गए ना? एक जगह होता है जहां पर प्यार होता है, एक जगह होती है जहां पर प्यार करना पड़ता है। एक अरेंज मैरिज में प्यार करना पड़ता है, प्यार होता नहीं है। माँ और बच्चे में प्यार होता है। तो जहां हम कुछ भी करते हैं, when we do something, we fall also. That's why they say, you fall in love. और गिरोगे तो चोट लगेगी, वही हो रहा है लोगों के साथ में, ब्रेकअप भी होगा, बट माँ और बच्चे का ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, माँ की जो मैं की डेफिनेशन है, यानी माँ का जो दिल है, जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ हर बीइंग, उसके अंदर ही वो बच्चा आ गया है। तो मतलब उस दिल का भी दिल है वो बच्चा, तो वहां पर प्यार है, प्यार करना नहीं पड़ता है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी वहां पर प्यार करने की। आपको खुद से प्यार करना पड़ता है या खुद से प्यार होता है? होता है। जो लोग सुसाइड भी करते हैं वो भी इस वजह से नहीं करते कि खुद से नफरत है, खुद से प्यार है, खुद मतलब खुद की खुशी से प्यार है, तो खुशी नहीं मिल रही इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। ये बात ज्यादा गहरी हो गई है? हाँ, ये बात समझ में। तो वो खुद से ही प्यार की वजह से वो मर रहा है।
खुद से इतना प्यार है कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, अगर उसको वो दे दो तो नहीं मारेगा छलांग है कि नहीं? तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार होता है खुद से, ये है हमारा दिल। तो जब तक ये आई लव यू है तब तक कोई प्यार व्यार नहीं है, कहानियां हैं। लेकिन जैसे ये यू आई के अंदर आ गया तो वहां पर सिर्फ प्यार रह जाता है, आई और यू मिट जाता है। तो अगर आपका ये जो सेंटर ऑफ बीइंग है उसकी डेफिनेशन में वो पर्सन इंक्लूड हो जाए जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो वो आपके जो आपका दिल है उसके अंदर आ चुका है।